हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी कूपन डील। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल की, जो कि जल्द ही आने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि दशहरा के टाइम पे फ्लिपकार्ट का जो बिग बिलियन डे सेल है वो आता ही है, और सिमिलरली अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आता है। तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल की। आज हम आपको बताएंगे कि इस सेल में आपको किस किस प्रोडक्ट्स पे कितना कितना डिस्काउंट मिलेगा, फ़ोन कौन कौन से हैं जिन पे प्राइस ड्रॉप होने वाला है, और किस किस बैंक पे आपको ऑफ़र मिलेगा, नो कॉस्ट में मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें। और ये एक्सपेक्टेड डेट इसकी इस सेल की लाइव होने की, देखिए फ्लिपकार्ट ने भी कोई सच एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे मेंशन नहीं करी। आप देख सकते हैं कमिंग सून यहाँ पे लिखा हुआ है, बट हम आपको एक्सपेक्टेड डेट बता देंगे, क्योंकि इससे जो लास्ट ईयर 2020 में जो सेल लाइव हुई थी वो दशहरा के 4 से 5 दिन पहले वो सेल लास्ट चली थी और फिर क्लोज हो गई थी। ऐसे 2019 में दशहरा से सिर्फ 3 या 4 दिन पहले वो सेल क्लोज हो गई थी। तो फ्रेंड्स, मतलब हम आइडिया आपको बता देंगे कब तक आएगा जो एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक्चुअल डेट तो फ्लिपकार्ट ही रिवील करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं बिग बिलियन डेज यहाँ पे आपको सामने लिखा है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या क्या आपको लॉन्च ऑफर रिवॉर्ड वगैरह मिलेंगे। तो बहुत सारे इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होंगे जो अभी अपकमिंग है फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे और आने वाले हैं, तो उस पर भी काफ़ी अच्छी आपको डील मिलेगी। ओके, तो और आपको ऑफर्स में आपको बहुत सारे मतलब फ्लैश सेल चलाई जाएगी फ्लिपकार्ट की तरफ से, रश आवर्स होंगे उन पर्टिकुलर आवर के अंदर, आपको काफ़ी अच्छे डील्स मिलेगी। ठीक है, देन आपको रिवॉर्ड्स के लिए, जैसे कि अभी आप जानती हैं सुपर कॉइन आप कलेक्ट करते ही होंगे फ्लिपकार्ट पर जाके सुपर कॉइन जोन में वीडियो प्ले वगैरह करके, फिर इसमें और भी शायद से आप गेम ऐड हों। और हमको पता है कि आईपीएल भी शुरू होने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आ सकती है फ्लिपकार्ट के गेम जोन में। और हम नीचे बढ़े तो देख सकते हैं आपको फ्रेंड्स, इन पे भी आपको काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, आप चाहे ट्रू वायरलेस ईयरबड्स की बात करें, लैपटॉप की या फिर वॉचेस की। तो हम नीचे आते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो बोट के प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता ही है हमारे जो वेबसाइट है इजी कूपन डील, वहाँ पे आपको बहुत ही सारे, हमने कई वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपको वीडियोस देखनी है बोट के कूपन्स एंड प्रोमो कोड कैसे लें और कैसे हैवी डिस्काउंट इनेबल करें, तो उसके लिए हमने वीडियो डेडिकेटली बना रखी है, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि बोट तो वैसे ही काफ़ी पॉपुलर और अच्छा ब्रांड है, काफ़ी ऑडियो रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाता है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे साउंड बार और म्यूजिक सिस्टम पे आपको 80% ऑफ मिलेगा, स्मार्ट वॉचेस पे 70% और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके, जो हेडफोन्स हैं उन पर भी आपको मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करें जो लैपटॉप है एसर का, तो इस पर भी आपको अप टू 40% डिस्काउंट मिलेगा, और डीजो के जो ये ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, इस पर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। तो अब बात करते हैं कुछ फ़ोन्स की। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको कह रहा था कि फ़ोन पे भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, और अभी फ्लिपकार्ट ने किसी भी फ़ोन पर रिवील नहीं किया, और ना ही हम ऐसे बता रहे हैं कि भाई इसका प्राइस इतना होगा, इसका इतना होगा। हाँ, लेकिन इन फ़ोन्स का जो प्राइस है काफ़ी हद तक गिर सकता है फ्रेंड्स। जो बात करें F12 जो फ़ोन है, ये लगभग 10 से 12 हज़ार के बीच का है, तो इसकी भी प्राइस गिर सकती है काफ़ी हद तक। और ये जो है आईफोन आई थिंक 11 या 12 है, तो इसकी भी प्राइस अच्छी खासी गिर सकती है, और साथ ही साथ आपको बैंक ऑफर मिलेंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। फिर यहाँ पे आपको ओप्पो के फ़ोन्स पे भी बहुत मतलब प्राइस ड्रॉप मिलेगा, और वीवो के फ़ोन्स पे भी। अब नीचे आते हैं तो आपको हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, फिर वही स्मार्टफोन अपना जो स्पीकर है, हेडफोन्स हैं और लैपटॉप वगैरह तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि होम अप्लाइंसेस पे क्या है। तो फ्रेंड्स, होम अप्लाइंसेस पे भी आपको अप टू 70% ऑफ यहाँ पे मिलेगा, और रेफ्रिजरेटर्स पे अप टू 50%, टीवीज फ्रेंड, टीवी तो आप जानती हैं कि हर एक पर्सन किसी भी फेस्टिवल या किसी भी ओकेजन पे एक टीवी ज़रूर खरीदता है। तो टीवी सबका एक आज की डेट में ट्रेंड बन चुका है कि एक अच्छा स्मार्ट टीवी, एक अच्छे पिक्चर क्वालिटी वाला और सारे अच्छे खासे उसमें फीचर्स हों, तो इस पे आपको 70% ऑफ यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। किचन अप्लाइंसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको
किचन अप्लाइंसेज आपको फ्रॉम 299 से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे दिख जाएंगे। अब नीचे बात करें फैशन और इन सब चीज़ों पे भी आपको 60-80% का ऑफ जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करें कुछ ब्यूटी टॉयज और फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेकअप और फ्रेग्रेंस रिलेटेड आप प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, नहीं ब्यूटी और पर्सनल केयर से रिलेटेड, तो आपको 35-70% का यहाँ पे ऑफ मिलेगा। और बात करें कुछ फूड वगैरह की, तो यहाँ पे 85% का ऑफ है। टॉय स्टेशनरी आपको 49 रुपीज़ से स्टार्ट मिल जाएंगे, ग्रूमिंग प्रोडक्ट आपको 30-70% ऑफ मिल जाएगा इन पे। तो फ्रेंड्स अब बात करें कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्नीचर मैट्रेस पे भी आपको मिलेगा काफ़ी अच्छा हैवी डिस्काउंट, देख सकते हैं आप। चेयर्स हो गया, ऑफिस चेयर सोफ़ाज पे भी आपको मिलेगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको लास्ट के 3 डिजिट्स में आपको प्राइस यहाँ पे रिवील कर दी गई है, बट एक्चुअल प्राइस ये अभी रिवील नहीं की गई है, तो ये भी जितने जल्दी हो सके फ्लिपकार्ट रिवील कर देगा और हम भी वीडियो उसके ऊपर बना देंगे। तो जो ये आपके फ्लिपकार्ट के जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, उस पे तो आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, जो फ्लिपकार्ट के जो अपने खुद के प्रोडक्ट्स यहाँ पे फ्लिपकार्ट अपने वेबसाइट पे सेल करता है। अब ये देख सकते हैं, ये जो देखिए फ्रेंड्स ये क्रेजी डील जो आएगी इसमें फ्लिपकार्ट ने, मैं आपको पहले ही दिखाया था, ये देखिए ये जो ऑफर्स हैं क्रेजी डील्स पे भी आपको काफ़ी अच्छे, मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइम पे ये चीज़ लाइव होगी, तो इस टाइम पे आपको किसी सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे आपको काफ़ी ऑफ डिस्काउंट मिलेगा। फिर रश आवर, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये ऑफर इनेबल होगा, ये लाइव होगा, और उस टाइम आपको कुछ उस टाइम के सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे ऑफर मिलेगा काफ़ी हैवी डिस्काउंट। और फ्लैश सेल, ये भी एक पर्टिकुलर टाइम पे होगी, तो वही यहाँ पे नीचे आपको बताया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो क्रेजी डील्स होगी वो 12 AM, 8 AM और 4 PM पे होगी, और जो जो इसमें डील्स और जो जिस प्रोडक्ट्स पे आपको ऑफ मिलेगा वो भी हम आपको जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे, जैसे फ्लिपकार्ट हम तक ये सारी डिटेल्स देगा। रश आवर्स भी होगी, ठीक है, और मे बी ये शायद से सुबह के टाइम पे हो, और फ्लैश सेल एवरी आवर होगी। तो जितने भी डील्स हैं, जितने भी ऑफर हैं, जल्दी रिवील होंगे, ठीक है, और कॉम्बो ऑफर मिलेगा आप अगर 3 बाय करते हैं तो 5%, 2 बाय करते हैं तो 5% ऑफ, 5 बाय करते हैं तो 10% ऑफ, और बाय 3 गेट 10 एक्स्ट्रा 10% ऑफ। तो जैसे ही फ्लिपकार्ट ये सारी चीज़ें रिवील करेगा, कोई भी अपडेट आता है तो आप जरूर आपको बताएंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं जो बैंक ऑफर है, तो बैंक ऑफर जहाँ तक हमको कुछ आइडिया लग रहा है कि जो बैंक ऑफर होगा वो सबसे ज़्यादा मे बी उस पर जो कैशबैक होगा वो SBI, HDFC, ICICI, इन 2-3 बैंकों पे, और SBI का ज़्यादा चांसेस है, ओके, और SBI पे आपको मे बी ज़्यादा थोड़ा डिस्काउंट मिले, आपको ऑफ मिले उस पर, और बाकी ICICI, HDFC और एक्सिस बैंक, ये 2-3 बैंक पे आपको ज़रूर हैवी डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। और पेटीएम से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, पेटीएम से अगर आप शॉपिंग करते हैं पेटीएम के थ्रू, तो भी आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट अशॉर्ट कैशबैक प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं, ये तो सारी चीज़ें हो गई सेल के बारे में कि किस किस प्रोडक्ट्स पे कितना कितना डिस्काउंट मिलेगा और क्या क्या डील्स होंगी, कब किस टाइम पे कौन सी डील लाइव होगी, कौन से ऑफर लाइव होंगे, और किस किस बैंक पे आपको कैशबैक ऑफर्स मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसकी एस्टिमेटेड डेट या फिर एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है इस सेल की, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो कोई भी देख लेगा, बट सेल से रिलेटेड लोग पूछते हैं कि यार किस टाइम हो सकती है ये सेल लाइव और कब एक्सपेक्टेड डेट है इसका। तो एक्सपेक्टेड डेट फ्रेंड्स देखिए, जो लास्ट ईयर हुई थी वो अक्टूबर में हुई थी और वो दशहरा के 5 दिन पहले ही क्लोज हो गई थी, ठीक है, मतलब लगभग लगभग 6-7 दिन चलती है सेल, आपको पता होगा 5-6-7 ये जो एवरेज है। और 2019 में भी वो इसी तरह से हुई थी सेल, लगभग लगभग 4-5 या 6 दिन चली थी और फिर दशहरा के 5 दिन पहले क्लोज हो गई थी। तो सीधी सी बात है फ्रेंड, जो भी पर्सन अपना कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है वो चाहता है कि दशहरा से पहले पहले आ जाए या फिर दशहरा वाले दिन आ जाए, कोई दशहरा वाले दिन तो ऑर्डर करेगा नहीं ना, तो ये एक कॉमन सी चीज़ है। इसलिए मे बी इस बार जो दशहरा है वो 15 अक्टूबर को पड़ा है, तो मे बी ये शायद से फर्स्ट वीक के आसपास या फर्स्ट वीक के मिड से ये शुरू हो जाए 5 या 6 से,
तो कोई बिल्कुल एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन हाँ फर्स्ट वीक से शुरू हो सकती है और 15 से पहले पहले तो हो ही जाएगी, ये पक्का है। तो हम आपको बिल्कुल, आप हमारे से जुड़े रहिएगा, आपको ज़रूर, हम आपको कोई भी अपडेट आएगी तो ज़रूर उसके ऊपर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से टेक के अपडेट्स और अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ और कैशबैक वाले ऑफ़र वाले वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मोर कैशबैक और ऑफ़र के लिए हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, और हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.easycoupondeal.com पे। वहाँ पे आपको और भी कैशबैक ऑफर्स मिल जाएंगे, उनको आप इनेबल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम आपको बताएंगे अमेज़ॉन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Be strong. Strong.